गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। जैसा कि आप देख रहे हैं, बाइक हो गई है तैयार, मैं भी हो गया हूँ तैयार और हम लोग जा रहे हैं आज शॉपिंग करने बाइक के लिए। और काफ़ी टाइम हो गया था मेरी बाइक को मैं शॉपिंग कराने नहीं ले गया था और आज फाइनली मैं ले जा रहा हूँ बाइक को शॉपिंग कराने। ये देखिए बहुत खुश है आज, और आज से नवरात्रि स्टार्ट हो रही है तो मेरी और मेरी परिवार की तरफ से सारे यूट्यूबर फैमिली को बहुत बहुत बधाई है नवरात्रि की। तो अभी हम जा रहे हैं मार्केट। घर से आए थे और अभी आ गए हैं भूड़ पे, क्योंकि हमें आज सिस्टर को ले जाना है मार्केट और वो कराएंगी अपनी भाभी जी को शॉपिंग। और साइड में बैठी है बुआ जी और ये मेरा छोटा भाई सो में बैठा हुआ है और ये पेंटिंग का बड़ा ही शौकीन है। हम आपको दिखाते हैं इसकी पेंटिंग। तो ये मैंने बना रखी है फर्स्ट ड्राइंग, ये है पोएम के ऊपर और ये डे मून एंड नाइट। फिर इसके बाद है इमोजी, ये मैंने चार तरह की इमोजी बना रखे हैं और ये है फिर नरेंद्र मोदी। ओ माय गॉड, ये देखो देश के प्रधानमंत्री का फोटो इस छोटे से बालक ने बनाया है। और फिर ये आती है गर्ल जो मैंने बॉल से बनाई थी, और ये देखिए बॉल पे ये गर्ल है। और ये आती है मेरी दीदी की स्केच, ये है इसके सिस्टर का स्केच, ये सौम्य के सिस्टर का। ये देखिए सेम टू सेम लग रही है। ये गुरु नानक देव। ओ माय गॉड, इस बालक ने देखो बिल्कुल रियल फोटो बना रखी है, बिल्कुल लग ही नहीं रहा है कि इसने बनाया है। ये मुझे पसंद आ रही है, जब ये सो जाएगा ना तो मैं ले जाऊंगा इसे। ये मैंने यूट्यूब से बनाया था। ये देखो दोस्तों कितना प्यारा लग रहा है ना, लालटेन लेती हुई औरत बिल्कुल अंधेरे में निकल गई है उजाला करती हुई। और ये इसके बाद ये देखिए नेक्स्ट पेंटिंग। ये देखो इन्होंने शिवरात्रि पे बनाया था महाकाल की फोटो, कितनी सुंदर लग रही है ना। आपको दिखाता हूँ ये पेंटिंग बनाने के लिए किस कलर का यूज करता है। ये मैंने इस कलर के ऊपर यूज करा था, ये सब कलर हैं जो मैंने यूज करे ये शिवरात्रि की ड्राइंग बनाने के लिए। और ये फिर ये मेरे कलर हैं, ये मैं इन्हीं से बनाता हूँ ज़्यादातर ड्राइंग। और ये फिर मैं नए कलर लाया हूँ, यह है पेंसिल कलर, यह है क्रेयॉन्स और यह है ऑयल पेस्टर। और ये इसको रब करने के लिए जो ऑयल पेस्टर होता है उसके लिए यह काम आता है। और अभी हम आ गए हैं खटीमा की मार्केट, ये बाइक और स्नेहा रेडी हो चलने के लिए। दोस्तों अभी हम खड़ंजे की मार्केट में आ गए हैं, यह आप पे डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे कितना बार्गेन करा सकते हैं। यह यहाँ की सबसे सस्ती मार्केट है।
अभी हमने खटीमा में शॉपिंग का काम निपटा लिया है और टाइम हो गया है 5:21 और अभी सिस्टर डिमांड कर रही है कुछ। तो दोस्तों अभी कैमरे के सामने बोल नहीं पाई और इनकी डिमांड फास्ट फूड की, अभी हम लोग जाएंगे मोमो और चाउमीन खाने। अभी मैं अपनी सिस्टर की डिमांड पूरी करने के लिए सिस्टर को लेकर आया हूँ तिब्बत मोमो फास्ट फूड में। ये देखिए ये भैया की शॉप है और इनके जैसा मोमो खटीमा में कोई नहीं बनाता है। ये रियली बहुत अच्छा मोमो बनाते हैं और इनकी दुकान है जस्ट स्टेशन के सामने। ये देखिए आगे हमारे मोमो। अभी हम लोग खटीमा से आए थे अपने सिस्टर को छोड़ने और यहाँ पर बुआ जी ने बना दिया हमारे लिए खाना। जाओ जा रहा हूँ भूड़ा रहे। ये बुआ जी है हमारी बाइक के पीछे, उन्होंने बना दिया था खाना और हमने खाना खा लिया है और अब यहाँ से निकलना है और हमारे साथ जा रहा है हमारा छोटा भाई सोमे। तो दोस्तों अभी बज गए हैं 9:30 और मैं और सोमे बैठे थे और आपस में बात कर रहे थे और अभी हम लोगों ने एक सेटअप तैयार कर लिया है। ये देखिए हमने इसमें हेलमेट में कैमरा माउंट फिट कर दिया है। ये प्रॉपर आज ही मुझे डिलीवर हुआ था और अब मैंने लगा दिया है हेलमेट पे और अब आपको नेक्स्ट वीडियो मिलने वाली है हेलमेट पे, बिल्कुल प्रॉपर मोटो ब्लॉग की तरह जब हम लोग कहीं पे जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। बाय बाय।